वैसे कितनी अजीब बात है नरीमन, सुबह सवेरे मुंह उठा के बगैर इन्फॉर्म किए ये दोनों उनके घर पे चले गए और अब इस बात पे परेशान हैं कि वो इनके आने पे नाराज़ क्यों है। भाई बहुत बड़ा आदमी है वो, उसकी अपनी एक पर्सनल लाइफ है, ऐसे थोड़ी कोई भी आरा गरा उसके घर में घुस जाए। कोई आरा गरा नहीं गया था उनके घर, मैं गई थी, रमशा की बहन और रमशा के बहनोई। कोई भी मुंह उठाकर नहीं चला गया था उनके घर जो इतनी बातें सुना रहे थे वो। वैसे काफी अजीब बात है, बुरा मनाने का कोई तुक नहीं बनता था, आखिर रिश्ता है। क्या अजीब, हर कोई शक्लैन नहीं होता जो सब कुछ बर्दाश्त करे। लोगों की अपनी चॉइस होती है, जो चीज उनको पसंद नहीं आती है वो उस पर रिएक्ट करते। और वैसे भी तौकीर भाई ने तुम दोनों के साथ कोई मिसबिहेव तो किया नहीं, जैसे बिठाया खिलाया पिलाई है ना। और रमशा, रमशा को जितना जलील कर रहे थे वो, उसका क्या? हमारे सामने तो इस तरह प्रटेंड कर रहे थे कि बहुत खुश इखलाक हैं और कुछ कोई बात ही नहीं है, लेकिन हमारे जाते ही कमरे में उसे कितना जलील कर रहे थे। और भी पता नहीं कितना कुछ छुपाया होगा हमसे। और तो और, शादी में उनका कोई रिश्तेदार तक नहीं आया। अब तुम इस बात को इश्यू बना लो कि उनका कोई फैमिली मेंबर शादी में मौजूद नहीं था। भाई उसका आगे पीछे कोई नहीं है, क्या करे वो, मेरा भी तो कोई नहीं है। नहीं, आपकी पप्पो तो है ना, मेरा मतलब है काफी रिश्तेदार हैं आपके। और सब गलती तुम्हारी बहन मानूर की है अरिबा, क्या जरूरत थी इसको छुप कर उनके कमरे के बाहर उनकी बातें सुनने की। कितनी गैर अखलाकी हरकत की है भाई, मियां बीवी के बीच में 100 बातें होती हैं, क्या तुम और मैं बात नहीं करते? क्या इन दोनों के बीच में झगड़ा नहीं होता है? और हाँ, वैसे भी इनके शौहर के झगड़े तो पूरा मोहल्ला ही सुनता है। चकलैन भाई प्लीज, खबरदार जो आपने फिर से बहाने से फराज की इंसल्ट की, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। एक तो आप लोगों ने उस बेचारी के साथ इतनी ज्यादती की, इतनी जल्दबाजी में उसकी शादी करवा दी। एक बड़े आदमी से इज्जत के साथ उसकी शादी करवाई है। जो जिल्लत तुम्हारी बहन हमें देने वाली थी ना, मैंने सबको बचाया उसे और मैंने ज्यादती कर दी। वाह क्या बात है। हरीमा, मैं तुमसे पहले ही कह रहा था मैं इस रिश्ते के खिलाफ हूं, मगर बड़ा आदमी सिर्फ पैसे से नहीं है, रमशा से उम्र भी बहुत बड़ा है, एक बेजोड़ रिश्ता जोड़ा है। तुम्हें तो वैसे ही उसके पैसे से पता चला, आए बड़े रमशा की तकलीफ में उसका साथ देने वाले। तुम ही थे ना, तुम्हारा भाई छोटा, जिसके साथ मिलकर तुमने हमें जिल्लत दी। खराब, तुम्हें उम्र का फर्क अजियत दे रहा है। वाह सकलैन, यार हद होती है, किसी भी बात को इशू बना के नहीं आप बात कर सकते। और ऐसा भी क्या हो गया जो ये सुबह सुबह यहां आ गए हमारे पास? मानूर, बहनें तो बड़ी बड़ी बातों पर पर्दा डालती हैं बहनों की, ताकि उनका घर बचा रहे, और एक तुम, शादी का दूसरा दिन है और यहां तुम सुबह सुबह में डराने के लिए आ गए हो कि तौकीर भाई ने उस पर बहुत जुल्म कर दिया है। दो बातें क्या सुना दी उन्होंने, वो भी तुम लोगों की वजह से। वैसे गलती तो रमशा की है, अगर वो तुमसे फोन पे बात कर लेती तो तौकीर भाई इतना नाराज ना होते। अरे सारा मसला यही तो है कि अपने गिरेबान में झांकने को कोई तैयार नहीं है, सबको बस एक दूसरे पे इल्जाम लगाना है। अब क्या चाहते हो तुम, मैं जाऊं तौकीर भाई से लड़ू, रमशा को तलाक दिलवा के वापस कर ले आऊं, ताकि तुम अपने उस बदमाश भाई से रमशा की दूसरी शादी करवा सको? हाँ
कभी भी कुछ सोच समझ कर नहीं बोल। फराज, मानूर, बेहतर यही है कि तुम रमशा की जिंदगी और उसके घर में मुदाखलत मत करो। पहले भी तुमने उसके लिए कुछ भी नहीं किया, सारी जिम्मेदारी मुझे ही उठानी पड़ी। अलबत्ता हालात को यहां तक लाने में सारा हाथ तुम्हारा था। बड़ी मुश्किल से कोशिश करके इन मसलों का हल निकाला है सकलैन ने। ये बात बनी हुई है, इसे बनी रहने देना, बिगाड़ो मत। मैं बात बिगाड़ रही हूं? हाँ, सकलैन सब देख रहे हैं ना, वो तौकीर भाई को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वो हमारी रमशा को बहुत खुश रखेंगे। अल्लाह ना करे तुम्हारी वजह से तौकीर भाई को उसका माजी पता चल सकता है। अगर वो शादी के बाद दोबारा घर वापस आ गई ना, हम बहुत मुश्किल में गिर जाएंगे। पहले भी तुमने मुझे ही फंसाया था, खुद तो चली गई थी तुम। बेहतर यही है तुम अपने घर जाओ और हमें भी सुकून से रहने दो।